नमस्कार दोस्तों, आज मैं मोटापा कम करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ इफेक्टेड स्टेप बताने जा रहा हूं, जिनको यदि हम नित्य प्रतिदिन करेंगे आधा आधा मिनट एक एक मिनट 10 स्टेप को, तो 10 मिनट में सारे 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे और देखेंगे बॉडी आपकी फिट रहेगी। तो पहला जो स्टेप है, आइए सीखते हैं। इस प्रकार हमें खड़ा होना है और दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर मुट्ठियों को बंद करके करना है। अब पैरों को जब आप खोलेंगे तो हाथ आपके नीचे आ जाएंगे इस प्रकार, फिर वापस इसी प्रकार उसको जल्दी जल्दी ऐसे करना है, लगभग 5 बार 10 बार 20 30 40 50 बार तक धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 50-100 बार तक करें डेली। तो देखेंगे आपकी बॉडी पे स्फूर्ति आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और मोटापा भी कम होगा। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों हाथ रखेंगे सामने इस प्रकार और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस को भरते हुए वापस। तो ये जो दूसरा स्टेप है, इससे हमारे पैरों की मसल्स स्ट्रांग बनेंगे, हमारी थाइस स्ट्रांग बनेंगी, तो इसको भी डेली हम जरूर करें। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अपने पहले हम लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे और राइट हैंड से इस प्रकार एल्बो को टच करना है, फिर लेफ्ट हैंड की एल्बो से राइट नी को टच करना है, फिर इसी प्रकार अपोजिट अगेन एंड अगेन हम इसको रिपीट करेंगे ये। फिर इसको फास्ट करना है तो ये, तो इससे भी हमारा बैली का फैट कम होगा। फिर फोर्थ जो स्टेप है वो हमारा, दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे और पैरों को इस प्रकार ओपन करना है ये। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आप इस प्रकार पोजीशन लेंगे, दोनों पंजों को हाथों को इस प्रकार ले आना है, सांस को भरते ऊपर, सांस को छोड़ते वापस, दोनों साइड से बार बार हमें ये रिपीट करना है। फिर छठवें स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे और ये लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना, राइट से लेफ्ट को ये इस प्रकार, फिर इसको फास्ट करना। ये तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके ऐसे रखना है, ये पैर को उठाते हुए साइड में ले जाएंगे, हाथों को अपोजिट साइड, फिर इसको फास्ट करना तो ये। ये इस प्रकार तो नेक्स्ट स्टेप में हम त्रिकोणासन करेंगे इस प्रकार, सांस को भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस को छोड़ते वापस, जो हमारा हाथ ऊपर जाता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है और साइड में धीरे धीरे झुकते हैं, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, फिर इस प्रकार इसको बार बार रिपीट करना है। तो इससे क्या होगा, जो साइड का एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे बैलेंस होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है कोणासन इस प्रकार, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है पादहस्तासन, सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, तो इससे हमारा ये फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट बैलेंस होता है। लास्ट अभ्यास है ट्रंक ट्विस्टिंग, इसमें क्या करना है, हाथों को साइड में रखेंगे, पैरों को पंजों के पास में, गर्दन सामने रहेगी, तो पैरों को इस प्रकार जंप करते हुए हाथ अपोजिट साइड में, पंजे अपोजिट साइड, इसको पहले धीरे धीरे आप इस प्रकार करें ऐसे, जल्दी जल्दी इस प्रकार इसको रिपीट करना है। तो ये मैंने आपको कुछ इफेक्टेड स्टेप बताए, यदि आप डेली इनको करते हैं तो यकीन मानिए आपका एक महीने में लगभग 5 kg से लेके 10 kg तक वेट कम हो सकता है आपका, और डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों पे इसको प्रयोग किया है। अपनी डाइट को मेंटेन रखें, डाइट में जितना आप हल्का खाएंगे, फल सब्जी दलिया रोटी दाल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं हल्का खाएं, ज़्यादा ना खाएं, दिन में आप दो ही बार खाएं भोजन, और मैदा की चीज़ों को अवॉइड करें, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, तो देखेंगे काफ़ी तेज़ी से आपकी कैलोरी बर्न होगी। और रात को हो सके तो जब आपको मोटापा कम करना है तो रात का खाना बंद कर दीजिए, रात को दलिया लें, सूप लें, दूध लें, ये लेना है। और ज़्यादा भूख लगे तो आप हल्का सूप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, और भी ज़्यादा आपको भूख लगे तो मान लो 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खा सकते हैं, तो इससे हमारा मोटापा तेज़ी से कम होता है। और इसको एक एक अभ्यास को आधा मिनट से 1-1 मिनट करना है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो देखेंगे 1 महीने में आपका तेज़ी से आपका फैट कम होने लगेगा। डेली आप करेंगे तो आपकी बॉडी फिट भी रहेगी, फ्लेक्सिबल भी आएगी और पूरी तरह से आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। तो ये दिस स्टेप आर वेरी यूजफुल फॉर रिड्यूस ओबेसिटी, एवरीवन शुड बी ट्राई टू डू दिस स्टेप सो वी कैन लिव हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, नमस्ते।